सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई सब बहुत बढ़िया हो गया। तो आज भाई 5 नवंबर हो चुकी है, 4 दिन से हम लोग मनाली के अंदर ही हैं और भाई बहुत मज़े किए यहाँ पे। अब आज 5 तारीख को हम लोग वहाँ चेकआउट कर रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं भाई दिल्ली। और मेरा फेस देख लो भाई, 4 दिन में मेरा फेस कैसा हो गया भाई, बिल्कुल फट के ऐसे ये रेड रेड हो गया मेरा। मतलब मेरे हो जाती है एलर्जी है थोड़ी सी, तो ये वही है भाई, बहुत ठंड है ना यहाँ पे, इतनी बॉडी को आदत है नहीं इतनी ठंड सहने की। और कॉटेज से हमने चेकआउट कर लिया हमारा लगेज वगैरह, हम लोग भाई कॉटेज से निकल चुके हैं, हमारा लगेज अभी ऊपर ही है, बट अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की 7:30 बजे की बस है, लगेज लेके कहीं घूमेंगे ना। तो अभी हम लोग कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ अपना शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कुछ ले लेंगे घर के लिए भी। और मैं आपको दिखाता हूँ जिस एरिया में हम लोग रुके थे, उस एरिया दिखता कैसा है यहाँ से। देखो भाई ये सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, ये सब कोई भाई यहाँ इन कॉटेज से व्यू आता है, ये सामने स्नो माउंटेन्स का। और अभी थोड़े टाइम बाद ये पूरा जितना भी ग्रीन है सब कुछ व्हाइट हो जाएगा, स्नो इतनी ज़्यादा गिरेगी यहाँ पे। तो यहाँ के भाई रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। मैंने पूछा था भैया से, वो भैया कह रहे थे कि एक रात का आपका हो जाएगा भैया 10,000 रुपये तक। यहाँ की भाई सुंदरता बहुत, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत प्लेजेंट। देखो यहाँ पे क्रिसमस ट्रीज भी हैं, जो होते हैं ना क्रिसमस ट्रीज, वो यही है सारे। तो हम लोग भाई जा रहे हैं नीचे धीरे धीरे पैदल पैदल। और यार ये नज़ारा दिखाऊँ आपको कितना प्यारा है, ये देखिए यार, मतलब इन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से इतनी सुंदर सुंदर जगह वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो जो भाई शूटिंग्स वगैरह होती है ना भाई, वो सच में है ही होती हैं। और कई मूवीज़ की शूटिंग बताई यहाँ पे लोगों ने भाई, बहुत मूवीज़ की शूटिंग इधर हुई है। आई थिंक ये वन विहार ही है इस साइड पर, जो कि हम लोग हडिम्बा से काफ़ी ऊपर हैं। ये देखो भाई इतनी प्यारी नई जगह है यार, आज आखिरी बार आप लोग भी देख लो और हमारे लिए भी आज ही आखिरी है सब कुछ। ये प्यारे प्यारे रोड, खुली खुली वादियाँ, खुला खुला आसमान, उतने बड़े बड़े भाई पेड़ जो कि दिल्ली में देखने को का देखने ही नहीं मिलते। थोड़ा जोक अजीब था पर मुझे भी समझ नहीं आया, और कोई बात नहीं देखने को भी नहीं मिलते है ना। सो भाई हम लोग ये मार्केट है, यहाँ पे देखो ये एक्टिविटीज़ खेल वेल हो रहा है, गिलास गिराने का सब कुछ, और फोटो खिंचाई जा रही है कपड़े पहन के। ये जा के फोटो खिंचा सकते हो आप, शांत है आ रही है। और ये छोटा मोटा सामान मिल रहा है मार्केट है, ये देखो हाथ से बना रहा सब कुछ। अभी हमने ना यहाँ पे सारी मार्केट है, हमने ना ये शॉपिंग वगैरह कर ली थोड़ी सी। कैसा मफलर लिया है दिखाइयो। पापा को जैसे मंगाया था पापा ने वैसा ही मांग लिया। वो टंग तो रहे ये टंग रहे ना, देख ऐसे ही दिखाने में दिखा दो दीदी को। अच्छा पहाड़ी की पंचायत की हद तो देखो, मैंने पश्मीना लिया। पश्मीना असली थोड़ी मिलेगा यहाँ पे, वो कहने का पश्मीना है। बहुत ही बहुत कितने का है? तुझे कितने का मिला? 150 बोल रही हूं। हां तो कितने का है? 100 का तंदर ही मिल लो। मैंने तो ले लिया। तो भाई यहाँ पे हमें मिला है हडिम्बा एडवेंचर पार्क है, यहाँ पे भाई बहुत सारी एक्टिविटी होती है अंदर चल के। क्या हो रहा है अंदर? हैंगी छोटी सी ज़िपलाइन है। तो भाई ये छोटी सी तो कोई ज़िपलाइन बना रखी है वहाँ तक। ये कैसा एक्टिविटी का नाम? ज़िपलाइन कितने की अंकल? ज़िपलाइन 300 का सर। 300 की ज़िपलाइन यहाँ से स्टार्ट है। और ये डर्ट डर्ट बाइक चला सकते हैं यहाँ पे, पूरी बना रखा है ट्रैक सा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे चलिए ना, वहाँ पे एंड होगा। ऐसे जाना, ऐसे मुड़ के आना वापस यहाँ पे। अच्छा जो घूम के जाएगा 300 में वापस है। अच्छा अच्छा 300 में भाई ज़िपलाइन आपको पूरा घुमा के लाएंगे वहाँ वहाँ पे, जो नीचे ग्रीन ग्रीन रखा है ना वहाँ पर। गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं शॉपिंग वॉपिंग करके, हडिम्बा टेम्पल के पास जो मार्केट है वहीं से करा सब कुछ। क्योंकि क्या है ना कि जहाँ पे आप खोए वहाँ की आप थोड़ा सा लोकल एरिया में से कुछ सामान लो, तो भाई वो सब जो यहाँ मिल रहा है ना लोकल, वो दिल्ली में नहीं मिल सकता। इसलिए आओ मार्केट शोरूम से लोगे तो क्या फ़ायदा है ना, लोकल एरिया से लो तो आपको और भी मज़ा आएगा आप उसे यूज़ करोगे तो। अभी हम रुके हैं तो भाई यहाँ पे मोमोज करा रहे हैं अपने लिए, और ये कुछ अलग से मोमोज है। ये लोग भाई लाल चटनी दिल्ली में मिलती है वो नहीं दे रहे, ये अलग चटनी दे रहे हैं, वो दिखाता हूँ आपको कौन सी है। भाई देखो आंटी का स्टॉल है और इनके मोमोज देख लो आप, अभी खाते हैं और टेस्ट बताता हूँ वो कैसा है। भाई ये वाले मोमोज है, चटनी लगी इसकी चटनी, भाई इसकी चटनी कुछ अलग है देखो, और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। गरम गरम खाने तो दे, खा ले। कैसे मांग रही है? मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा, रुक जा। बहुत बढ़िया स्वाद है इसमें, कैसे बैठे आ जा।
इधर ही आ जाओ, सब इधर ही आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना दीदी। कैसा है बहन? तो गर्म तो होंगे, ठंडे थोड़े देगा ये। चलो भाई खा के बाद मिलते हैं फिर आपको ना। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके थे, बहुत देर से नीचे बैठे हुए थे, और अब हमने अपनी जो टैक्सी है वो भी बुक कर ली है, क्योंकि हमें लगेज लेके आना है, देन हमें स्टैंड जाना है, और उसके बाद 6 बज चुके हैं, सिर्फ 1.5 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, 1.5 घंटा नहीं आधा घंटा ही बैठेंगे, और फिर लगेज लेके अपना भाई स्टैंड निकल जाएंगे और अपने चल देंगे अपने घर वापस। भाई बड़ा मज़ा आया यहाँ पे, बहुत इन्जॉय करा सबने, 5 दिन ऐसे निकल गए पता भी नहीं चला कब में निकल गए। आपको देखो सबके चेहरे कैसे उतरे पड़े हैं, देखो सबके कैसे चेहरे उतरे पड़े हैं, किसी का भी मन नहीं कर रहा जाने का, कोई इंटरेस्टेड नहीं घर जाने के लिए, बस सबका ऐसा हो रहा है कि भाई बस नहीं बस जाए सब लोग, किसी का मन नहीं कर रहा। भाई हम लोग होटल आ गए थे अपने लगेज लेने के लिए, लगेज ले लिया, हम चलते हैं नीचे क्योंकि भाई लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फटाफट चलते हैं। तो भाई आखिरी बार इस जगह देख लो बढ़िया से ये सुंदरता को, चलते भाई जरा एक मैंने टांग रखा है। ओके भाई धन्यवाद, चलते भाई हमारी टैक्सी भी हो गई, भाई आए हैं रखवाते सामान, देन चलते हैं अपने घर। तो भाई ये है हमारी बस वापस दिल्ली की, भाई बहुत बड़ी बस है यार ये वाली, तो इसी में चलते हैं अपना, सब लोग ने लगेज वगैरह ले लिया अपना, हम लोग चलते हैं दिल्ली, अंदर बैठ के आपसे बात करता हूँ क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई ये है बस, इसमें कट रहे अपनी बढ़िया सी एंटर मनाली टू दिल्ली। सो गाइस ये थी हमारी पूरी मनाली सीरीज की सारे व्लॉग्स, आई होप आपको अच्छे लगे हों, तो भाई पूरी सीरीज को भाई प्यार जरूर दिखाना, और ये जो वीडियो बस में जो एंड हो गई इसका रीज़न ये था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हमने जो लास्ट डे अपने देखा मैंने वो सब खाया, मोमोज वगैरह और भी चीज़ें हमने खाई थी, तो मेरा ना थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो गई थी, तो मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग गई, और वो बस फिर पहाड़ों पे ऐसे ऐसे चलती है ना भाई, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मेरे को वॉमिट भी हो गई, और फिर पता है वॉमिट के बाद पूरी बॉडी कैसे हो जाती है, इसलिए मेरे को ना वीडियो बनाने का मन हुआ ना और कुछ करने का मन हुआ, बस मैं सो गया भाई साहब, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, पूरी बॉडी टूट गई थी, थकान हो गई, फिर वॉमिटिंग हो गई, फिर हेडेक हो गया मेरे को, इसलिए मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं हुआ, वो फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। तो इस वीडियो को तो प्यार देना ही देना, साथ साथ पूरी मनाली सीरीज जितने भी मैंने ब्लॉग्स बनाए उन सबको भी भाई प्यार देना, पूरी प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल दी है, पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लेना और बताना कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा, तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगले जो ब्लॉग्स आने वाले हैं वो भी भाई ट्रैवलिंग के होंगे, और आप बताना मेरे को आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फिर कुछ भी अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगती है या फिर कुछ भी दिक्कत लगती है तो मुझे बताना ज़रूर, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय, लव यू गाइज़।